हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ क्लास. टुडे अवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.7. सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम. आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम. अ स्टोर हैड 81 बैग्स. एक स्टोर के में 81 बैग्स ऑफ वीट, गेहूं के 81 बैग्स हैं उनके पास. ऑफ दिस 49 उन्होंने यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया. हाउ मैनी बैग्स आर देयर इन द स्टोर नाउ. तो अब उनके पास कितने बैग्स पड़े हैं स्टोर में. तो यहाँ हमारे पास 1 है. 1 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 1 में के लिए हमने यहाँ से कैरी ले लिया. तो इनके पास क्या हो गया, 11. 11 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 2. अब इसने कैरी दिया था तो इसके पास 7 रह गया. 7 में से 4 3, तो हमारे पास कितने बैग्स रह गए, 32. अब गोडाउन हैज 145 बैग्स ऑफ राइस. एक गोडाउन में 140 बैग्स ऑफ राइस है, तो दूसरे गोडाउन में उनके पास है 286 बैग्स. हाउ मैनी मोर बैग्स ऑफ द सेकेंड गोडाउन. तो सेकेंड गोडाउन में कितने ज्यादा बैग्स है, तो सेकेंड गोडाउन में हमारे पास है 286 बैग और फर्स्ट में है 145 बैग्स. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में से 5 माइनस किए 1, 8 में से 4 माइनस किए 4 और 2 में से माइनस किए 1. आपने बाकी सब ऐसे ही करने हैं. अब एक्सरसाइज 3.8. अब इसमें ये है, हम ऐसी कौन सी डिजिट यूज करेंगे कि हम 439 में से 0 माइनस करेंगे तो 439. अब 439 में से 0 माइनस करेंगे तो 439 ही आएगा, क्योंकि 0 माइनस करते हैं तो कुछ कट नहीं होता है, 0 ऐसे ही. अब हमें 235 में से क्या माइनस करना है कि 235 ही आ जाए. तो हमें क्या माइनस करना है, 0, क्योंकि 0 माइनस करते हैं तो 235 ही आता है. अब इसमें से हम 0 में से हमें क्या माइनस करना है कि 701 ही आए. तो 701 माइनस 0 करेंगे तो इक्वल 701 ही आएगा. ऐसे ही आपने आगे सम करने हैं अपनी बुक में अच्छे से.